श्री अज्ञाराम देवी मंदिर के सामने हम खड़े हैं यहाँ, और आज है लॉकडाउन का पहला दिन। अरे 15 से 21 तारीख तक, 21 मार्च तक के जो लॉकडाउन लगाया गया है, हमने देखा है कि मंदिरों को ताले नज़र आ रहे हैं और मस्जिदों को भी ताले नज़र आ रहे हैं, गुरुद्वारे भी बंद हैं। जहाँ तक देवस्थान के अगर मैं बात करूँ तो नागपुर में सभी देवस्थान बंद नज़र आ रहे हैं। जैसा हम अभी यहाँ बैद्यनाथ चौक पर हैं, जहाँ श्री अज्ञाराम मंदिर के सामने खड़े हैं और यहाँ हमको लॉक नज़र आ रहे हैं, कोई भी यहाँ हमको नज़र नहीं आ रहा है। पहले दिन के इस लॉकडाउन में सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे नागपुर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सारे बंद नज़र आ रहे हैं। यानी कि 15 से 21 मार्च तक के का जो लॉकडाउन लगाया गया है उसमें कहीं ना कहीं पालन किया जा रहा है। मेरे साथ मोमिनपुरा मस्जिद के सचिव है, वो आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, पूरा लॉकडाउन नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं इस मस्जिद को लॉक भी लगा दिखा रहा है, तो क्या गवर्नमेंट का पूरी तरह से नियम का पालन हो रहा है? हम जो है, मैं मोमिनपुरा की बड़ी मस्जिद का सचिव हूँ, और जब सरकार के आदेश आज 4 दिन पहले हमको मौसूल हुए तो हमने पूरे यहाँ पे मस्जिद के अंदर अनाउंस किया कि भाई जो सरकार के आदेश का पालन करेंगे और मस्जिद में 5 व्यक्ति से ज़्यादा जो है नमाज नहीं पढ़ेंगे, और जो है सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पूरा पालन करेंगे। तो हम जो सरकार के आदेश का पूरा पालन करते हुए मस्जिद को हमने ताला लगा दिया। क्या कहेंगे कि 5-6 दिनों का जो लॉकडाउन लगा है नागपुर के अंदर, पूरी तरह से जैसे पहले था वैसे अभी लगा है, आप क्या मोमिनपुरा में क्या नज़र आ रहा है, आपको क्या दिख रहा है? मोमिनपुरा में मेरी दुकानदार तो 100% के एतबार से जो है बंद है। लोग अपने अपने घरों में, अब कुछ जो ज़रूरत के लोग जिसकी ज़रूरत है वो अपनी ज़रूरत के पुरते जो है निकले हैं। मेडिकल स्टोर चालू है, किराना दुकान चालू है, बस इसके अलावा सब बंद है। क्या लोगों को तकलीफ नहीं हो रही है, जनता को? क्योंकि इससे पहले भी लॉकडाउन 5-6 महीने का लगा था, अभी 6 दिन का और लगाया गया, तो क्या जनता में क्या महसूस कर रही है जनता यहाँ? नहीं देखो, ये तो कॉमन सेंस है, जनता को लॉकडाउन से तो भारी नुकसान है। भाई जो है दिहाड़ी जो मजदूर है, जो डेली कमाना डेली खाने वाले, इनको तो बहुत भारी गुजरता है। बाकी जो है फाइनेंशियल साउंड है उनके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि मजदूर तबका जो है ये लॉकडाउन से परेशान है। सरकार को इसके बारे में अल्टरनेटिव इसका कुछ सोचना चाहिए। बिल्कुल, रोज़ कमाना रोज़ खाने ऐसे व्यक्ति को एक परिवार पालना बड़ा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में गरीब जो है, गरीब तबके के लोग, उन्हें इस लॉकडाउन की सीधी सीधी मार पड़ते नज़र आ रही है। ऐसा लगता है कि कोरोना से तो बाद में, लेकिन भूख से पहले मर जाएगा वो गरीब व्यक्ति जो रोज़ कमाता और रोज़ खाता है। फ़र्क उनको नहीं पड़ता है जिनके पास में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े उनके उद्योग चलने वाले हैं, कहीं से उनकी आवक होने वाली है। लेकिन ये कोरोना काल में हमने देखा है कि कई ऐसे गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, पान ठेले वाले, चाय टपरी वाले, ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमाते रोज़ खाते, उनके लिए एक दिन का भी लॉकडाउन बड़ा मुश्किल से कटना मुश्किल वाली बात है। तो आगे भी बने रहिए और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फारूक शेख के साथ रिया शेख, नागपुर।